शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माल मिल गया बंधु। इसका मतलब वो पुलिस वाला ठीक बोला। ओए खबीज का बच्चा, पठान का बच्ची को बंदूक दिखाता है, हमको बंदूक दिखाता है, चलाओ बड़ी। कमाल करता है तुम। गुनेगार है, चाहे तो तुम हमको गिरफ्तार कर सकता है, हथकड़ी भी पहना सकता है। हिंदुस्तानी मर्द औरतों को हथकड़ी नहीं पहनाते, बल्कि 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 क्या पहनाते हैं? अम्मी अम्मी, हाय अल्लाह, क्या बात है, कहीं से खजाना हाथ लग गया है क्या? बिल्कुल, और ये रही उस खजाने की चाबी। खजाने की चाबी? अम्मी, तुम्हारे ईमानदार बेटे ने आज एक स्मगलर को रंगे हाथों पकड़ा। हथकड़ी पहनाने ही वाला था कि उसने मुझे रिश्वत की हथकड़ी पहना दी और एक आलीशान बंगले की चाबी मेरे हवाले कर दी। निकल जा इस घर से इसी वक्त, रिश्वतखोर बेईमान। अम्मी बस, बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से ईमानदारी का लेक्चर नहीं सुना था ना। तुम्हारे जैसी मां और अजीज मिर्जा जैसे नेक और ईमानदार अफसर का बेटा ख्वाब में भी कोई गुनाह नहीं कर सकता। और ये रहा सच्चाई का सबूत, सरकार की तरफ से ईमानदारी का इनाम। सर, आशा फोन पर। मुझे बचा लो अब्बू, मेरे तो अपने मार डालेंगे। ओए होश की दवा कर बच्चे, तुझे हाथ भी लगाया तो चीर दूंगा सबको। ओए टेलीफोन दे साले को, टेलीफोन दे। बोलते फोन दे हरामजादे को। हाँ बोल। ए कालिया, तू इस हरकत का नतीजा जानता है? ए नतीजे की बात मत करना भाई, तू शेर है तो हम पौना शेर जरूर है। कोई धंधे में उल्टा करता है तो उसको झटका देना ही पड़ता है। माल लाओ और बेटा ले जाओ। ओए ताबेदार है कालिया, माल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, माल भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, बाकी सब खैरियत है। राजा खान भाई, तुम्हारा राजा जिसे हुकूमत ने बहादुरी और ईमानदारी के लिए ये तमगा दिया है। माशाल्लाह, जवान हो गया है। कितने साल गुजर गया तुम सबके लिए, लेकिन मेरे लिए जैसे वक्त वहीं का वहीं ठहर गया हो, आगे बढ़ा ही नहीं। खान भाई, जिंदगी भर दूसरों का ही दामन भरते रहे हो,
कभी अपने दामन के लिए भी। बस सलमा बहन, बस बस। जिनको भुलाने के लिए मैं खुद को भी भूल चुका हूं, मत याद दिला मुझको, मत याद दिला मुझको। अभिजन, अम्मी, अम्मी, अब क्या हुआ अम्मी को? बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों का इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में नहीं आता क्या करें इस बदनसीब के लिए। दिल के जख्म दवाओं से नहीं भरते अम्मी। बेटा, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाइए डॉक्टर। जब भी मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूं, बेगुनाह होकर भी खुद को गुनहगार महसूस करने लगता हूं। खुदा कारत करे उस दिन को जब वो मनहूस खबर लेकर मैं हिंदुस्तान। कौन सी मनहूस खबर अबू? कौन सी खबर? खबर? कैसी खबर? ओए लाली दी जान, माय डियर अबू, संभालिए अपनी याददाश्त को। अभी अभी अम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं हो रही थी? वही मनहूस खबर बेटी, जिसे सुनकर तेरी अम्मी होश खो बैठी थी। हाँ हाँ वही। अबू, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अम्मी को किसी ने गलत खबर दी कि हिंदुस्तान से लौटते वक्त एक मासूम बच्चे की जान बचाते बचाते मेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी और उस सदमे से इनकी ये हालत हो गई। लेकिन अब्बू, जब आप जिंदा लौट आए थे तो अम्मी उस सदमे से बाहर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं पहचान आपको? बेटी वो आएगा, वो आएगा। अम्मी, अम्मी होश में आओ, जिसको आना था वो आ गया है। देखो देखो अब्बू सामने है। खुदा के लिए पहचानो इन्हें, पहचानो इन्हें प्लीज। वो आएगा, वो आएगा। खुदा बख्शे, इससे पहले कि मेहंदी इस राज को एक घिनौनी साजिश समझ बैठे, बता दे उसे सब कुछ। कोई आहिस्ता बोलो अम्मी जान, दीवारों के भी कान होते हैं। तो फिर उसे हिंदुस्तान जाने से रोक, वो बेनजीर की हमशक्ल है, कहीं बादशाह खान ने उसे देख लिया तो। खुदा के वास्ते चुप करो अम्मी जान, और कभी अपनी जुबान पर मत लाना कि हम मेहंदी का बाप नहीं है। बादशाह खान तुम हमारा अब्बू नहीं हो। ये क्या कह रही हो बेटी, यही तो तुम्हारे अब्बू है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा। बगे बेटी, झूठ से झूठ ढकने की कोशिश मत करो अम्मी। मैंने मैंने सब सुन लिया है। जब सब सुन ही लिया है तो ये भी सुन ले कि ये झूठ सच से ज्यादा पाक है। कौन है हमारा अब्बू? कौन है हमारा अब्बू? कहाँ है वो? हम नहीं बता सकते बच्ची। क्यों, क्यों नहीं बता सकते? हमारी जुबान पर कसम का ताला लगा हुआ है, हम नहीं बता सकता है। झूठ बोल रहे हैं आप, फिर धोखा दे रहे हैं मुझे।
की कसम का ताला नहीं, सिलत का ताला है, लानत का ताला है, शर्मिंदगी का ताला है। वे ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। जरूर आपने फरेब किया है मेहंदी, जरूर आपने कोई जलील हरकत की है। वे रब का वास्ता है तुझे, जुबान को लगाम दो। हमारी अम्मी को हासिल करने के लिए आपने मेरे अब्बू को रास्ते से हटाया। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी, आगे ना असली सामने। इसका मतलब है मैंने जो कुछ भी कहा सब सच। तुम गुनेगार हो, मुझे तुमसे नफरत है खुदा बख्श, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। अम्मी, अम्मी खुदा के वास्ते आज तो जबान खोलो, बोलो अम्मी, बोलो मेरा अबू कौन है, कहाँ है वो, बोलो। वो आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा। कौन आएगा अम्मी, कौन आएगा, कहाँ से आएगा, बोलो कहाँ से आएगा। ये क्या कर रहा है बेटी, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने, किस जुर्म की सजा दे रहा है अपने आप को। चंद से अजीज बच्ची पर हाथ उठाए मैंने, तोड़ देगा इस हाथ। नहीं खुदा बख्शे, नहीं। गैरतमंद आदमी बात से मर जाता है अम्मी जान। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, गलत समझते मुझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर जा बेटी, जाकर उसे पूरी कहानी सुना दे, उतार दे अपने सर से ये इल्जाम। बादशाह खान को क्या जवाब देगा हम, क्या सोचेगा वो मेरे लिए, यही ना कि खुदा बख्श ने उनकी दी हुई कसम तोड़ दी। कसम तो नहीं बेटे, कसम उस बड़े बादशाह ने तोड़ी है। मेरी बात मान, जा जाके बता दे उसे, खुदा का वास्ता जा। बहनती मेरी बच्ची, अब कौन सा नया धोखा देने आई हो, क्या इतना कहना काफी नहीं कि 18 साल मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं की, जितनी नफरत 18 मिनट में तुमसे हो गई है। ले जाओ अपनी मनोसूरत हमारे सामने से, चले जाओ यहाँ से। ओए मेरी बच्ची, सच जान लोगी तो नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। मोहब्बत में नहीं खुदा बख्श, नफरत दुश्मनी में बदल जाएगी। तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं, तुम जहन्नम में जाओगे खुदा बख्श, तुम जहन्नम में जाओगे। ऐसे लफ्ज मुझसे मत निकाल बेटी, जिन्हें सच जाने के बाद तुझे वापस लेने में शर्म आए। खुदा बख्श की कुर्बानियों पर पानी मत डाल। एक लफ्ज और नहीं सुनोगे? सुनना होगा तुझे, एक एक लफ्ज सुनना होगा और हर लफ्ज में यकीन करना होगा तुझे। कलाम पाक है ये, इस पर हाथ रखकर शैतान भी झूठ नहीं बोल सकता। हमने तुमको कोई फरेब नहीं दिया बेटी, अल्लाह जानता है हम तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा ये झूठ तुम्हारे अब्बू का दिया हुआ एक उधार था बेटी। फिर सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारा अब्बू जिंदा है। हिंदुस्तान में हम उनको लेके आएगा, अम्मी हम उनको लेके आएगा। ओए कौन बोल रहा है? ओए कौन बोल रहा है? ओए कितने बाबे तेरे, मैं बोल रहा हूँ अब्बू। अब्बू जी बोलिए।
ओए हिंदुस्तान में गाड़ियों की दौड़ हो रही है, हाँ, और उस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए काबुल से एक गाड़ी चली है। काबुल से एक गाड़ी चली है? हाँ, और गाड़ी सफेद दूध जैसे रंग की है। वो सफेद दूध जैसी है? और गाड़ी का नंबर है काबुल 175। काबुल 178? ओए काबुल 175, उल्लू क्या पट है? काबुल 175। हाँ, अपना माल हवाई जहाज में आ रहा है। हवाई जहाज? लेकिन आपने कहा था कि माल गाड़ी में आ रहा है। ओ नहीं, ओए ओए, गाड़ी हवाई जहाज में आ रही है, माल गाड़ी में आ रहा है। ओए मुझे तो तेरी माँ पर शक होने लगा है, बाकी सब खेरे थे साला, हट। ओए माल आ रहा है। सुस्वागत पधारो, तालियां माल आ गया अपना, आजा आजा आजा। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। हिंदुस्तान का मर्द लोग को देखा हम खुश हो गया, हम सोच रहा था कौन से रास्ते पे जाएगा। जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ तुम जाएगा। ओए खबीज का बच्चा, जहाँ हम बोलेगा तुम वहाँ जाएगा। अच्छा, तुम तो हिंदुस्तान का नाम अर्थ निकला। ओहोई, रास्ता क्यों रोकता है? झील की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत, पहलू में हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस अफगानिस्तान, इतने दिनों से खामखा अपने आप को पन्ने खास समझ रहे थे। तुम कौन है? वो मैं हूँ इंस्पेक्टर हीना, और ये इंस्पेक्टर लंगूर, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर राजा। At your service. हाय। हाँ। अल्लाह ने तुझे जान। तुम पुलिस वाला होता? हमको तुम्हारा ही तलाश था। हमको भी आप ही की तलाश थी। हाँ? तो फिर ले चलो जेल। जेल? इसका मतलब आपका अपना जुर्म कबूल है। अल्लाह ने दे जान, तुम जो बोलेगा हमको सब कबूल, तुम कबूल, ये भी कबूल, सब कबूल। चलिए कम हो। तुम हमारे कार के नीचे क्या तलाश करता है? मिस अफगानिस्तान, चुपचाप सीधे खड़े रहिए। ओए खबीज का बच्ची, पठान से कैसे बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं है हमको। मैं भी राजपूत हूँ, ये आदत मुझ में भी नहीं है। पासपोर्ट दिखाइए अपना। बदल दो इसे, गाड़ी नीचे करो। है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम सॉरी मैडम, योर पासपोर्ट। हम तुमको अच्छा आदमी समझा, तुम पर भरोसा किया, मगर तुम पठान का बच्चे को बेइज्जत किया। हम तुमको कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। है ना, अब इस अफगानिस्तान पर हमें नजर रखनी होगी। नजर रखनी होगी, मगर अभी तो तुमने कहा था कि वो बेकसूर है। हिना, शतरंज की बाजी को जीतना है तो शाह को घेरना पड़ता है। मोहरे गांडिया, तू क्या सोच रही थी कि हमको ठूठा लंगड़ा बना के
अहमदाबाद चली जाएगी। अरे यो पिस्ता बादाम, नोट कर ले अपनी डायरी में, हम अपने माल की खातिर तो और खाल भी उधर तक आए। काबुले अनार, पता है किसका माल लेके भागना चाहती थी? कालिया डेंजर है अपन। माल मिल गया बंधु। इसका मतलब वो पुलिस वाला ठीक बोला। ओए खबीज का बच्चा, पठान का बच्ची को बंदूक दिखाता है, हमको बंदूक दिखाता है, चलाओ बड़े। ओए लाले दीजान, कमाल करता है तुम। गुनेगार है, चाहे तो तुम हमको गिरफ्तार कर सकता है, हथकड़ी भी पहना सकता है। हिंदुस्तानी मर्द औरतों को हथकड़ी नहीं पहनाते, बल्कि 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 क्या पहनाते हैं? मेहंदी, हिंदुस्तान में। ओए तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आया? मैं तो लेकर ही आने वाली थी अंकल, पर क्या करूं, आपकी कसम जो टूट जाती। कसम? आपने खुद ही हमारी जबान पर ताला लगा रखा है। मैं हाँ भूल गया, मैं भूल गया था। मैं कैसे बाप हैं आप अंकल, कैसे बाप हैं आप? बेटी 10 कदम पर है और आप 10 कदम नहीं चल सकते, बेटी को कलेजे से नहीं लगा सकते आप? तुम क्या समझता है, मैं इंसान नहीं? मेरे पास दिल नहीं, पत्थर है। मेरी मेहंदी, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे 10 कदम पर है, मैं उससे मिलने के लिए बेताब नहीं। तो अपना लीजिए अपनी बेटी को और लगा लीजिए उस बदनसीब को अपने सीने से। बरसों से आप दुखों की फांसी पे लटके हुए हैं, आखिर क्यों? इंसान बने अंकल, इंसान। इस दुनिया में लोग फरिश्तों को पत्थर मारते हैं, जिस्म में कील ठोक देते हैं, गोली मार देते हैं, और फिर आप ही तो कहते हो ना अंकल, मोहब्बत से बड़ा जज्बा नहीं होता। नहीं होता बेटी, नहीं होता। मंजूर, ये मेहंदी की मोहब्बत ही है जो मुझे उससे दूर रख रही है, लेकिन अगर उसे मालूम हो गया कि मैं जिंदा हूं, मुजरिम हूं, खूनी हूं। नहीं अंकल, आप मुजरिम नहीं है, आप निर्दोष है। कौन मारेगा ये? सच्चाई की आवाज झूठ के जंगल में कौन सुनेगा? नहीं, ये बाप खुद गर्ज नहीं है, जान दे देगा लेकिन अपनी बेटी को शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो खुदा बख्श की बेटी बनकर फख्र से जिंदगी जी रही, उसे जीने दो। इस वक्त सिर्फ मैं बर्बाद हूं, ये राज खुल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएगा बेटी, सब बर्बाद हो जाएगा। बेटी, इस बदनसीब पर एक एहसान करोगी?
जान चाहिए? नहीं बेटी, नहीं, जान नहीं, एहसान। मेहंदी इस मुल्क में अजनबी है, अकेली है, उसका ख्याल रखना। मेहंदी अकेली नहीं है अंकल, उसको एक अच्छा साथी मिल गया है। यहाँ इतनी जल्दी? प्यार का तीर वक्त का मोहताज नहीं होता। मेहंदी और राजा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्यार? ये राजा कौन है? वही मेरा साथी अखड़ू इंस्पेक्टर। भाई आप रिहा हो गए? हाँ सलमा बहन, हुकूमत ने मेरा सलूक की वजह से बाकी की सजा माफ कर दी और मुझको रिहा कर दिया। खुदा की कसम, आपको जेल के बाहर देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आइए आइए खान भाई, आइए आइए। जेल के दरवाजे क्या खुले, जैसे काबुल के दरवाजे खुल गए। घर कब जा रहे हो खान भाई? उजड़े हुए दर को घर नहीं कहती सलमा बहन। काबुल अब वो ख्वाब है जिसे मैं महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। ये क्या कह रही हैं आप? मैं नजीर के पास नहीं जाएंगे, अपनी बेटी मेहंदी से नहीं मिलोगे? मेहंदी, मेहंदी अब काबुल में नहीं है सलमा बहन, वो यहीं इसी शहर में है। तो फिर उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? जिन मुसाफरों की मंजिलें अलग अलग हो जाएं, वो साथ साथ नहीं चला करती सलमा बहन। क्या मतलब? सलमा बहन, मैं कानून की कैद से रिहा हूं, मुकद्दर की कैद से नहीं। दिल वीरान हो जाए, जिगर का खून हो जाए, लेकिन लेकिन ये बाप अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता खान भाई? मेहंदी बेटी तुम्हारे राजा से मोहब्बत करती है। हाय अल्लाह, हजार बार राजा के मुंह से नाम सुना फिर भी उसे आपके नाम से नहीं जोड़ सकी। हाँ भाई, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, आपकी बेटी मेरी बहू बने, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो जमीन पर ही जन्नत मिल जाएगी खान भाई। राजा को भी ये जन्नत नसीब हो, इसीलिए ये बाप अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। मैं समझी नहीं। ओह सलमा बहन, राजा को ये मालूम हो गया कि मेहंदी का बाप ही उसके बाप का कातिल है तो जन्नत दोजख में बदल जाएगा सलमा बहन, वो मेरा बेटे को ठुकरा देगा। क्यों ठुकरा देगा? उसे मेहंदी को कबूल करना ही होगा। मैं समझाऊंगी उसे, मैं बताऊंगी उसे कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। बहुत कड़वा सच्चाई है सलमा बहन, उसका बाप एक नेक और ईमानदार आदमी था। ये कहकर तुम अपने बेटे का परवरिश किया, अभी उसको क्या बोलेगा? ये झूठ था? ये बताएगा कि उसके बाप का कातिल खुद उसकी मां है? नहीं सलमा बहन, नहीं। इस जुर्म की सजा मैंने काटी है, वो इसी को सच मानेगा। दबी हुई लाख में चिंगारी मत डालो सलमा बहन, चिंगारी शोला बन जाएगा, हम तो जलेगा ही, साथ में उनका मोहब्बत भी चल जाएगा। मां और बाप के साथ साथ बेटी का प्यार भी बिखर जाएगा सलमा बहन। खामोशी, खामोशी ही जख्म का मरहम है सलमा बहन।
तो मेरा बच्ची को खुश रखना, बस यही भीख मांगने आया था तुमसे। खुदा हाफिज शर्मा भाई। मिस्टर, इस तरह घूर क्यों रहे हो? कौन है आप? जाने मन, जाने मन। ये पठार है। इसका जिस्म से काबुल की मिट्टी का खुशबू आता है। ए, तुम पठार है ना? हाँ, हमारा वतन का है। और तुम खुदा बख्श को तो जानते ही होगा। खुदा? हाँ? खुदा बख्श नहीं, नहीं? नहीं। ए, ए, खान खान खान, बेटी को दुआई नहीं देगा? दुआई? हाँ, तुम हमारा वतन का है। तुम्हें देखा ऐसा लगा हमारा अबू खुदा बख्श आ गया। वो आज इधर होता तो अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके रिश्ते के दिन उसे दुआई देता। उम्र दराज हो बेटी, चुक चुक जियो। अम्मी, कौन था ये? एक ऐसा मुसाफिर जो मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल से दूर है। अम्मी, मैंने पूछा कौन था ये शख्स? तेरे अब्बा के दोस्त थे।